बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़र मिनास और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं ओताक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल हिल बी ब्लॉक में, M5 जो कमर्शियल एरिया है वहां पे मैं खड़ा हूं इस वक्त। और ये सामने जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये कटिंग हो रही है 21, 22, 2300 वाले और 2400 वाले नंबरों की। ये सामने जहाँ पे बुलडोज़र काम कर रहा है, ये है 2100 वाले और 2200 वाले नंबर। और देख रहे हैं आपके कैसे फुल बूम पे काम चल रहा है। चंद दिनों में ये जो है, दो तीन दिन पहले ये काम शुरू हुआ था और काफ़ी हद तक का उन्होंने लेवल कर दिया है। और मशीनरी, हैवी मशीनरी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हर साइड पे लगी हुई है। और ये जो ऊपर मशीनरी अब आपको नज़र आ रही है, ये आपको दीवार भी नज़र आ रही होगी, ये गवर्नमेंट स्कूल की दीवार है, इसकी बिल्डिंग है। इसके बारे में लोग काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि यहाँ पे स्कूल को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इस ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, मगर आप देख सकते हैं कि स्कूल अपनी जगह पे मौजूद है। और बाकी जो ज़मीन खरीदी गई है उस पर काम जारी है। और ये आप देख रहे होंगे कि लोग लकड़ियां जो दरख्त यहाँ से काटे गए हैं उनको लोड करके ले जा रहे हैं। ये देखें, दूर दूर तक जो है ज़मीन लेवल कर दी गई है। और ये एरिया है MR5 कमर्शियल, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये और जो आपको नज़र आ रही होगी, ये टैंकी भी साथ नज़र आ रही है। कमर्शियल एरिया जो ए का सिविक सेंटर है वो। और अब आप देख रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वाटर चैनल है, जो बी ब्लॉक से आ रहा है ए ब्लॉक की तरफ। ये देखें कैसे कंक्रीट हो चुकी है काफ़ी हद तक, पुल बना हुआ है, ये M6 का पुल है। यहाँ तक ये कंक्रीट हो चुकी है और इसके आगे जो है, चूँकि अभी कब्ज़ा लिया है तो उम्मीद है जल्द वाटर चैनल पे भी काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो अभी कटिंग एरिया में आ रहे हैं वो 17, 18, 2100, 2200, 2300 और 2400 के नंबर जो हैं, ये सारे पोजीशन आ रहे हैं, गलियाँ कट रही हैं। और हैवी मशीनरी जो है वो काफ़ी तादाद में लगी हुई। ये आप जो देख रहे हैं सामने जो रोड नज़र आ रही है, MR6, और इसके ऊपर ये देखें दूर तक जो है मशीनरी लगी हुई है। इस एरिया में मुख्तलिफ जगहों पे मशीनरी लगी हुई है और काम जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म किया जा रहा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ भी ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं, ये मस्जिद की जगह है और इसका जल्द यहाँ पर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ MR है उस पर स्टेट, ये सामने देख रहे हैं कहाँ तक ये कटिंग हो चुकी है। आलमोस्ट आप कह लें कि 2118 नंबर प्लॉट है जो एंड वाला प्लॉट है इस गली का। मोटर ये जो रोड है ये तो काफ़ी आगे तक जाएगी, लेकिन जहाँ तक कटिंग हो रही है यही प्लॉट्स हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे 1800 वाले 3570 के प्लॉट हैं। और ये जो एरिया है ये 1700 और 1800 वाली दो पट्टियां हैं जो काटी जा रही हैं, गलियां इनकी निकाली जा रही हैं, यहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पे जो नीची जगह हैं वहाँ पे डाल के लेवलिंग की जा रही है। और इस वक्त जा रहे हैं हम कमर्शियल जो है
17 और 1800 के सामने, लेक के सामने जो कमर्शियल है उस तरफ जा रहे हैं। ये कंटेनर भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ट्रैक्टर भी काम कर रहा है जिसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, ये भी लेवलिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ तक जो है ये कंटेनर जहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रोड जो निकली हुई है यहाँ तक पोजीशन एरिया आ गया है। इसके सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये भी फैसल हिल ने परचेज़ कर लिया है, लेकिन अपनी ज़रूरियात के लिए अभी इसको यूज़ किया जा रहा है, डिमोलिश नहीं किया जा रहा। ये भी उम्मीद है जल्द ही जो है पोजीशन में आ जाएगा। ये खुशखबरी है 21, 22, 23, 2400 नंबर और 17, 1800 वाले नंबर्स के मालकान के लिए कि उनके जो रेट्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। जो यहाँ पे 25-50 का प्लॉट 38-39 में 39 लाख में आ रहा था, वो अब 43-44 लाख में उसकी डिमांड की जा रही है, 4-5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा, इस वक्त हम आ चुके हैं जो नंबर्स हैं 23 और 2400 वाले नंबर, इनमें वर्किंग हो रही है, कटिंग जारी है। ये काफ़ी गहरी जगह है जो स्पेशली 23 और 2400 वाले नंबर्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे बुलडोज़र काम कर रहा है ये वाले नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी तेज़ी से काम जारी है और फिलिंग हो रही है। यहाँ पे जो 22 कनाल के तकरीबन लेक है वो भी इसी एरिया में बनेगी, ये डीप जगह है, डीप जगह को यूज़ करके और दो ऑर्गेनाइज्ड वाटर चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इस जगह पे एक लेक बनाई जाएगी। ये जहाँ पे दरख्त हैं ऑलमोस्ट इस जगह पे लेक बनेगी और साथ पार्क्स हैं, एक कल्चर सेंटर है और एजुकेशन सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस जगह पे आएगा और लेक और साथ पार्क से खूबसूरत मंजर यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। ये अभी आपको दिखाते हैं जो ए और बी के दरमियान जो वाटर चैनल है।